बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर है और इसमें मेरा किरदार रवि का है। रवि एक एक स्ट्रेस में स्ट्रेस से भरा हुआ क्रिकेटर है जो ऑब्वियसली अपनी वाइफ से सताया हुआ है एंड इसका बेस्ट फ्रेंड है पिंटू। एंड उसके लाइफ में बेसिकली सिर्फ पिंटू और ये हैं जो मिलके कुछ स्कीमें बनाते रहते हैं। एंड अक्सर जैसा इन्होंने बाद में बताया भी आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ये तीनों मिलके कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते हैं और हर बार कुछ ट्राई करते हैं नया कि किस तरह से लोगों के पैसे चुका पाएँ। लोगों में मेरा मतलब है ये जो है ये एक ऐसा लेडी डॉन प्ले कर रही हैं जिनका मैंने बहुत पैसा चुकाना है। तो बेसिकली उन्हीं से बचने के लिए हम लोग इस सीरीज़ में आगे पीछे भाग रहे हैं एंड जो भी रवि करता है वो सब इसीलिए क्योंकि जानू जी के पैसे लौटाने हैं और इसके भी 6.25 लाख। कौन से 6.25 लाख? मैं किसी को कुछ नहीं दे रही। ये सीरीज कब तक आ रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? जी ये 11 जनवरी को रिलीज हो रही है, 11 जन को। सो मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक, सभी हमारे जितने भी एडमायरर्स हैं, जितने भी फैंस हैं, वो सब इसको देखें और आप सब भी प्लीज़ देखें। एंड आई होप कि जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, जितना यू नो जितनी मेहनत से इसको बनाया है, उतना ही प्यार मिले इसको एंड पीपल लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू उल्लू एंड देन वॉच इट। अब जैसा कि आप देख रहे हैं बार बार जो कोसा है रवि जी, वो हर बार मेरी तरफ ही स्ट्रेस दिखा रहे हैं कि स्ट्रेस इनसे होता है, स्ट्रेस इनसे होता है। तो हाँ, मतलब ये सिर्फ इतना चाहती है कि इसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो रवि के इर्द गिर्द घूमती है और ये चाहती है कि रवि जो है वो बहुत पॉपुलर बन जाएँ, सोशल मीडिया स्टार बन जाएँ। और इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, हाउ फनी शी इज़, सिचुएशनल कॉमेडी बहुत है तो आपको सिचुएशन के हिसाब से बहुत हंसी आएगी। बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो बहुत ही हिलेरियस हैं। तो बस वो यही चाहते हैं कि ये थोड़े से सुधर जाएं और बिल्कुल आज के ज़माने के बिल्कुल हो जाएं, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी, सोशल मीडिया ज्वाइन कर लें, लाइव जाएं, अपने फैंस से बातें करें। बट ये मेरी बात नहीं सुनते, तो इनको बस इस बात का स्ट्रेस रहता है। और शैली को कभी स्ट्रेस हो ही नहीं सकता बिकॉज़ वो अपनी दुनिया में खुश रहती है और वो चाहती है कि बस ये स्टार हो जाए। और हाँ, रही बात, हम तीनों कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं सो दैट हम कुछ ऐसा करें प्लान जिसकी वजह से हम इनको जो पैसे इन्हें देने हैं दे पाएँ। हमें इनसे बहुत डर लगता है तो और बहुत ही क्यूटली हम इनको जानू जी बुलाते हैं और इनकी बड़ी ये आती हैं बिल्कुल अपने 3-4 लोगों के साथ, हमें धमका उमका के चली जाती हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बस किसी तरीके से वो करना है एंड दैट्स द ट्विस्ट एंड टर्न इन द स्टोरी जो होती रहती है एंड वही सिचुएशनल कॉमेडी लाती है। कहते हैं कि एक आदमी की ज़िंदगी में जितना स्ट्रेस होता है वो औरत की वजह से होता है और यहाँ पे 3-3 औरतें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हुआ था। तो जानू को ऑब्जेक्टिव है बेसिकली उसको उतने पैसे वापस चाहिए जो उन्होंने उधारी ले रखे हैं करोड़ों में और वो उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट उनको चढ़ाती जाती है जिसकी वजह से फिर ये जो भी अपनी सुसाइड का नाटक करते हैं। इंटरेस्ट भी 200% का है, तो इसलिए कम नहीं है। आप कहो तो 300 कर दो। नहीं, मिल जाएगा आपको 200। तो जैसे कि इन लोगों ने ऑलरेडी बताया कि इनका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब ऑडियंस को पता होता है कि ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो ऑडियंस ये भी देखना चाहते हैं कि कौन ऐसा है जो इनके प्लान को एक्चुअली क्रैक कर पाएगा, जो कि मैं हूँ, स्मार्टर देन ऑल ऑफ देम। तो प्लान तो इन लोगों का काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं और अर्जुन जो मेरे राइट हैंड प्ले कर रहे हैं, आई थिंक वो काफ़ी एडमायर करते हैं जेनी मैम बोलकर। तो हम लोग इस एक्चुअली पूरे केस को सॉल्व करते हैं, इनकी स्मार्टनेस, इनकी एक्टिंग, सबको पकड़ते हैं। और अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो ऑफकोर्स मैं ये सब सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मेरा तरीका बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही कूल है। ये कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग निकल कर आया है, लिखा बहुत अच्छा है और स्पेशली एंड स्पेशली क्योंकि हमने पूरी सीरीज लखनऊ में शूट की है, तो थैंक यू नितिन सर, क्योंकि इतना अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज था। जैसे अभी मैं बोलने लगी हूँ कि मुझे लखनऊ अपना ही शहर लगने लगा है बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिम एंड बिकॉज ऑफ कुणाल। सो या आई एम रियली होपिंग कि आप सब बहुत इंजॉय करें, क्योंकि जब आप एक अच्छा कंटेंट बना लेते हैं तो आप ऑफ कोर्स चाहते हैं कि ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करे, जो आपने बनाया है उसको सराहे। सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर एक 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 कोट है आई थिंक, एवरी आफ्टर एवरी एग्जिट देयर इज एन एंट्री इनटू अ न्यू प्लेस। सो ये वही है, अभी पहले हम एग्जिट करेंगे और फिर इसका पार्ट 2 बनेगा। पार्ट 2 होगा प्रॉब्ली एंट्री। थैंक यू सो मच।
सर ये फ्रेंड नहीं है, ये बेसिकली हम दोनों पिलर्स हैं इसमें, बिल्कुल। तो एक तरह से दोनों ही बिल्कुल पैरेलली प्ले कर रहे हैं, जो इसमें प्ले कर रहे हैं, और सब कुछ एक दूसरे पे टिका है। बहुत अच्छा किरदार है यार दोस्त का, क्योंकि हम दोनों जैसा कि बता रहे हैं पिलर्स हैं एक बिल्डिंग के, दोनों साथ में, दोनों एक दूसरे के भरोसे खड़े हैं। तो जब भी इनको किसी की चीज की जरूरत होती है तो मैं वहाँ होता हूँ, किसी मतलब मेरे को भी बहुत सारे मेरे भी बहुत सारे मेरे तो ऐसे वापस नहीं आने वाले टाइप पैसे हैं। तो बस बहुत इंटरेस्टिंग है, देखोगे आप मजा आएगा। दोस्ती याराना भी दिख रहा है, वो गुस्सा भी दिख रहा है, वो लड़ाई भी दिख रही है, वो पागलपन भी दिख रहा है, हर चीज दिख रही है, वो देखने में मजा आएगा। थैंक्स टू राजीव सर कि उन्होंने मुझे बहुत ही ग्लैमरस डॉन का अवतार दिया है, जो कि शॉर्ट्स, लेदर जैकेट्स एंड बहुत एक्ट्रेस की तरह ही रेडी होती है एंड अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराती है, तो वो वैसी टाइप की है। बट या डेफिनेटली डॉन का किरदार निभाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि विलन हमें ईजी दिखते हैं बट वो एक्टिंग करना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। रजनीश जी जैसे 6 feet टॉल एंड हैंडसम मैन को डराना इज बहुत सच है इस सीरीज में, तो ये सच है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। देखिए अब वो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वही चाहती है कि उनका पति तरक्की करे, अब उनके पति जो है वो तरक्की नहीं करना चाहते और वो पूरी कोशिश करती है कि वो बहुत बड़े स्टार बन जाए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे, उनको बनना ही नहीं है स्टार। वो कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे पुराने जमाने का ही रहने दो, मुझे नहीं बनना स्टार। और इसका है कि नहीं, हमारे पति जो है सबसे बेस्ट है। आप देखेंगे बहुत सारे सीन इसमें है जिसमें कि मैं इनकी इतनी तारीफ कर रही हूँ अलग अलग एंगल। इन्होंने एक बार बताया था मुझे कि सीरीज हाँ क्यों की, क्योंकि पति को सताने को मिलेगा इसीलिए हाँ किया इन्होंने ये रोल। अरे हाँ एक्चुअली वो बोलते हैं ना कि कर्मा, तो एक्चुअली इन्होंने इनको बहुत सताया है और फिर मैं आ जाती हूँ इन सब की लाइफ में एक स्ट्रेस बनकर एक बैंड बजाने के लिए, और ताकि इनको जो लग रहा था ये लोग एकदम सॉर्टेड चल रहे हैं, जो प्लान किया है वैसे ही चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो हाँ हाँ मतलब ये फुल ऑन मेरे पीछे पड़ गई उन्होंने, ऑब्वियसली कर्मा वाली बात जो है वो प्रूव हो गई कि मेरे सारे स्ट्रेस में मुझे दे दिया मुझे लगता है आप एलआईसी की जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब आपको पूरा वही चीज बार बार आप पूछ रहे हैं, आपने बहुत पॉलिसीज करा रखी है, कहीं आपका आपका कोई प्लान तो नहीं है ऐसा? सर ये एक न्यू एज कंटेंट है बेसिकली, जो कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टूडियो साइड एक शब्द है उसके ऊपर बेस्ड है, और कैसे एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कर्जे में डूबने के बाद क्या फैसले लेता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत ही होते हैं, और कैसे वो उसमें फंसता चला जाता है और दूसरे किरदार उसमें और ज़्यादा एक ह्यूमन नेचर है ग्रीड की, लालच की, ऑल इन ऑल ये एक लालच की कहानी है, जहाँ पे सारे ही कैरेक्टर्स शायद अपर्णा जी को छोड़ के बहुत ज़्यादा लालची हैं और वो फंसते चले जाते हैं अपने ही भंवर। ये कहानी क्या मैसेज
मैसेज अगर लेने वाली बात है तो यही है कि एक्चुअली मैसेज देती भी है कि एंड में ऑफ कोर्स आई कांट रिवील द एंड बट इसका जो ये जो ग्रीड है इसका एंड कैन नॉट बी गुड. तो ये ही मैसेज है शो का जहाँ पे जो उसका बेसिक मुद्दा है ग्रीड उससे कैसे बचा जाए या क्या नहीं करना चाहिए. इट्स अबाउट दैट ऑल्सो अगर आप मैसेज उसमें से लेना चाहें तो. वैसे आउट एंड आउट एंटरटेनर है, एक थ्रिलर है, एक ग्रिपिंग कहानी है जो कि देख के आपको मजा आएगा. तो मैसेज ज़्यादा ना ही ढूंढा जाए तो अच्छा. ये सीरीज जो है ये ऑलरेडी एक तरीके का एक बंदा है जो कोच है और वो किसी चक्कर में उसको पैसे कुछ कमाने होते हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उसकी बीवी डिमांड करती है बट वो दे नहीं पाता है. उसका बच्चा उसको नहीं दे पाता है, मतलब बच्चे की डिमांड नहीं पूरी कर पाता है. तो बेसिकली वो एक ट्रैप हो जाता है किसी उसमें कि तुम एक सट्टा लगाओ, एक बैटिंग में जाओ और उसमें हम क्रिकेट खेलेंगे और वो उसमें हार जाता है और काफ़ी बड़ी रकम वो कर्जे के रूप में लेता है जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है. तो वो जो ब्लैकमेलिंग होती है उस ब्लैकमेलिंग और उस डर से कि ये लोग मेरे घर ना पहुंच जाएं या मुझे मार ना दें, तो उसको उसके डर से या मेरे बीवी बच्चों को कोई अटैक ना करें, तो उसको उसके चलते हुए वो एक क्योंकि उसका एक फ्रेंड होता है वो LIC एजेंट होता है तो वो उसको सलाह देता है कि तुम एक LIC करा दो. तो उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो प्लान बनाता है कि मैं अगर अपने आप को मार लूँगा एज ए और एज ए एक्सीडेंट शो करूँगा अपने आप को तो वो पैसा मेरे को मिल जाएगा जिससे कि मैं जिसने मुझे ट्रैप किया है उसका मैं कर्ज़ा वापस कर दूँगा और मैं रह पाऊँगा. बट वो कहीं ना कहीं चीज़ें LIC के उसमें या किसी उसमें आकर के फंस जाती हैं और उसमें काफ़ी उनको नुकसान होता है. चीज़ें उसकी जो वाइफ होती है उसको पैसा मिल जाता है अफकोर्स क्योंकि हस्बैंड मर गया है और वो पैसा मिलने के बाद वाइफ के जो तौर तरीके होते हैं वो एकदम बदल जाते हैं. मतलब आप देखेंगे तो घर में जो चीज़ खाने को नहीं है वहाँ बड़े 55 इंची 65 इंची कलर TV आ रहा है, घर का पूरा रंग रोगन हो रहा है. तो कई चीज़ें चेंजेस दिखाते हैं बट वो कहीं ना कहीं LIC की एक बैक एंड पर एक इंक्वायरी चल रही होती है जिस इंक्वायरी के थ्रू मालूम चलता है और उसमें एक ब्लैकमेलर भी आ जाता है जिसको ये बात पता लग जाती है कैसे कैसे. तो वो चीज़ जो होती है वो उससे वो धीरे 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 चीज़ें स्टोरी खुलती है और लास्ट में इसका एंड बड़ा ही अलग तरीके का है. काफ़ी लेयर्स हैं इसके अंदर तो वो आपको जब आप देखेंगे, मैं इसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ, जिसे ऑडियंस देखे आप लोग देखें तो आपको पता लगे. ये 11 जनवरी को हो रही है. आज ट्रेलर हमने लोगों ने सब आप लोगों को दिखाने के बाद हमने सोशल मीडिया पे भी सब जगह डाल दिया है, प्रमोट कर दिया है और ये 11 जनवरी को 2022 में अभी 4-5 दिन बाद रिलीज हो जाएगी. तो ये आपको टोटली अपना उल्लू ऐप पे दिखाई देगा आपको, तो आप लोग देख सकते हैं इसको. उल्लू ऐप अभी बहुत सी सीरीज ला रहे हैं. अभी 7 सेंस प्रोजेक्शंस के में कलवा एक मूवी आ रही है, सबसे बड़ा रुपया आ रही है, वो भी एक नए जॉनर में है. कलवा एक हॉरर है, उसमें भी कुछ बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे और सबसे बड़ा रुपया है वो बैंक रॉबरी पर है. तो ये तो दो यही सेम प्रोडक्शन ही कर रहा है. दूसरा इसके अलावा हम एक सुरंगा बना रहे हैं और जो जिसमें फ्रेडी दारू वाला है और ये ईशा कोपिकर जी हैं, श्वेता तिवारी की, शाहबाज खान की एक मैं हम लोग ला रहे हैं शुक्ला वर्सेस त्रिपाठी, उसका नाम कुछ चेंज होगा, दिस इज़ अ टेंटेटिव नेम अभी फिलहाल के लिए. इसके अलावा 6X एक हम मूवी ला रहे हैं जिसमें 19 कैरेक्टर्स हैं, सब नोन हैं, फिल्मों के हैं, सीरियल्स के भी हैं, वो भी हम ला रहे हैं उसके अंदर. इसके अलावा एक अभी हम लोग प्रिंस और युविका चौधरी की एक मूवी हमारी आने वाली है जो शूट हो चुकी है बट उम्मीद है कि वो शायद वो भी इस साल में ही आ जाएगी. शूट हो चुकी है तो ऑफकोर्स मार्च अप्रैल तक वो भी हम दे देंगे. बैक टू बैक और भी मूवीज़ हैं, इसके अलावा काफ़ी मूवीज़ हैं जो मुझे अभी शायद बहुत कुछ याद नहीं है बट जो है मोटा मोटी वो मैंने आपको बता दी. सर ये एक तरीके का हमने एक बुके बनाया है जिसमें आदमी जब भी जाए तो उसके अंदर हर अलग अलग तरीके के फूल मिले
और लोग बुके कह लीजिए बुफे कह लीजिए, तो हर आदमी की अपनी चॉइस होती है। उसके अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन मोड भी दिया है कि इंसान अगर कोई चीज़ देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो अगर वो कोई मूवी हमारी जैसे तंदूर है, पेशावर है या साइनाइड है, अगर वो कोई देखना चाहता है तो उसका इंटरफेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसको वही देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह पे अगर कोई भी आप देखते हैं तो वो एक वो सबके लिए होता है। हमारे हमने भी अपने ऐप पे वो डेवलप किया है, और हम एक तरीके का हर जॉनर की मूवीज़ ला रहे हैं और हर कैटेगरी की ला रहे हैं, जिसके अंदर लोग केवल एक जो परसेप्शन बन चुका था वो ना बने। नॉट ओनली कि हमने उसको चेंज किया है, हमने चेंज किया है, हम डिफरेंट जॉनर्स और डिफरेंट चीज़ों को ला रहे हैं, लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है उसके अंदर। परसेप्शन सिंगल वन लाइन पे ना हो, इसको बस हमने चेंज करने के लिए सारा हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरा फोकस कर रहे हैं कि इसको हम वैरायटी ऑफ शोज लोगों के सामने ला सकें।